नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। आप हमारे देख रहे खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट। आज जो मुद्दा है वो मुद्दा कोई राजनीतिक नहीं है, पर इस मुद्दे पर राजनीति गरमाना शुरू हो गई है। हालांकि अगर मुद्दे की बात करें तो मुद्दा आज ये है कि राजधानी लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लेबानर स्वीट्स होटल में आग लग गई। और आग लगने के चलते 20 से 30 लोग घायल भी हुए, और सबसे बड़ी बात यह है कि 4 लोगों की इस कारण मौत भी हो गई। कारण व्यवस्था का ठीक नहीं हो पाना, कारण इमरजेंसी गेट का ना होना, कारण व्यवस्था ठीक नहीं होना, कारण बिना नक्शे की बिल्डिंग पास होकर 10 साल से लगातार चलना, और सबसे बड़ा कारण प्रशासन और अग्निशमन विभाग की नोटिस देने के बावजूद, एनओसी ना देने के बावजूद वो होटल चलता रहा, और हमारे यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी हाथ पर हाथ धड़े बैठे रहे, और ये बैठने के कारण 4 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। महत्वपूर्ण मुद्दा है, मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जान की कीमत कोई आंक नहीं सकता, और जान कभी लौट के नहीं आती। हम प्रयोग कर सकते हैं, मॉक ड्रिल कर सकते हैं, हम कार्रवाई कर सकते हैं, बुलडोजर चला सकते हैं, पर सबसे बड़ी बात यह है कि जब 10 साल से लगातार होटल ये चल रहा था बिना किसी नक्शा स्वीकृत हुए, लगातार इसको नोटिसें भी गई। अभी इस साल की बात करें तो साल भी आपकी अगस्त में और मई में इस होटल को नोटिस दी गई थी, उसके बावजूद ये होटल चलता रहा। किसकी सरपरस्ती रही, किसका हाथ रहा, और जिम्मेदारों पर अब कार्रवाई कब और कैसे होगी? हालांकि होटल में आग लगने का मामला पहला नहीं है, देश भर में होटल में लगातार आग लगते। अगर मैं 2020 का एक बड़ा मामला ले लूं तो 2020 में लगभग 9329 लोगों की आग लगने से मौत हो गई थी, बड़ा आंकड़ा है। और ये आग लगी कहाँ? कहीं कोचिंग में, कहीं बाजार में, कहीं बिल्डिंगों में, और कहीं होटलों में। खैर, हम उन आंकड़ों पर नहीं जाते हैं, तो 18 की बात कर लेते हैं। 2018 में लखनऊ के चारबाग लाटूज रोड स्थित एक होटल था, और वहाँ पर आग लग गई थी, वहाँ पर भी नुकसान काफ़ी हुआ था। उसके बाद भी हमारे जिम्मेदार थे वो चेते नहीं, और उनके ना चेतने की कहानी ये है कि फिर 4 लोगों ने उन जिम्मेदारों की ना काम करने की, लापरवाही करने की कीमत चुकाई। और महत्वपूर्ण मुद्दा है, और कुछ बयान सुनते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। होटल में आग लगी है और उसमें 2 लोग हताहत हुए हैं और 7 लोग घायल होकर के सिविल अस्पताल लाए गए हैं। उनके इलाज का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। हर स्थिति में हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं, और जो 2 लोग हताहत हुए हैं उनके परिवारों को सूचना भेज रहे हैं, और जो यहाँ घायल हैं उनको भी हम सूचना परिवारों तक भेज रहे हैं, और पूरी केयर सरकार करेगी। घटना की हम उच्च स्तरीय जांच कराएंगे, और जो भी दोषी होगा लापरवाही का उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। और पूरे प्रदेश में इस बात की एडवाइजरी अभी हम जारी कर रहे हैं, जितने भी इस प्रकार के सार्वजनिक प्रतिष्ठान हैं, जितने भी होटल्स हैं, या जहां पर भीड़भाड़ अधिक रहती, लोग आते जाते हैं, वहां पर इस प्रकार की घटनाएं ना हो, इसके लिए हम एडवाइजरी जारी करेंगे। और यदि कहीं इस प्रकार की लापरवाही पाई जाएगी तो हम कड़ी कार्रवाई करने से नहीं हिचकेंगे। जिन 2 लोगों की मौत हुई है कौन है? अभी जिन 2 लोगों की मौत हुई है अभी हम तुरंत आपको नाम बता रहे हैं, लेकिन परिवारों तक सूचना जा रही है। डिस्चार्ज कर दिया गया है, 7 बर्न इंजरी नहीं है, सिर्फ धुएं की वजह से प्रॉब्लम है और सभी खतरे से बाहर है। वेंटिलेशन की स्थिति नहीं दिख रही थी। हाँ, वेंटिलेशन की स्थिति यहाँ पर प्रथम दृष्टया पुअर प्रतीत हो रही है। इसमें जो भी टेक्निकल दोष होंगे उनकी पूरी समीक्षा करके जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई। सर, पूर्व में भी विकास पाटिल के इस पर नोटिस दिया गया था, जो ऋतु स्वास्थ्य जो अधिकारी थे उन्होंने नोटिस दिया था। उसके बाद सर ये सब जांच सर कैमरा वाला पट्टा हटा यार, उपरांत सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सर स्टेबल है, कोई खतरे से बाहर है? सर 7 लोगों की कितने लोगों की डेथ हुई है? 2 लोगों की। जो सेना को भी पहचान हो पाई है? अभी नहीं पहचान की जा रही है। आप मौके पे जा रही है क्या? जिस तरीके से राजधानी के होटल में मानक न पूरे होने कारण और किस कारण से घटना हुई, जिसमें जानकारी के अनुसार 2 लोगों की जानें चली गई, मृतक परिवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से शोक संवेदनाएं हैं। मगर सवाल खड़ा होता है,
चार बाग में एक बड़ी होटल में घटना हुई जिसमें कई लोगों की जाने चली गई। तब भी राज्य सरकार ने कहा, जिला प्रशासन ने कहा कि हम कार्यवाही करेंगे। आखिर सरकार आम आदमी की जान से क्यों खिलवाड़ कर रही है, क्यों नहीं मानक पूरे हो रहे हैं, और ये जिम्मेदारी किसकी है? उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी योगी सरकार से सवाल करती है, और सवाल इसलिए करती है कि आम आदमी की जान से खिलवाड़ क्यों? जो भी होटल है और जिस तरह की मानक नहीं पूरे हो रहे हैं, उनको तत्काल रूप से सील किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए, और सरकार को एक कमेटी गठित करनी चाहिए कि जो होटल मानक पूरे नहीं करते हैं, वो होटल चल कैसे रहे हैं। आग किस तरह से लगी थी इस बारे में तो कोई कमेंट करना मुश्किल है, तो फायर डिपार्टमेंट वाले बता पाएंगे। इधर हम लोगों को जैसे ही खबर मिली कि आग लगी है, हम लोगों ने तुरंत वहाँ पे अपनी एम्बुलेंसेज और पैरामेडिकल्स और चिकित्सक तैनात कर दिए थे, जिससे मौके पे किसी को इलाज करना हो तो हम लोग तुरंत इलाज दे सकें, और यदि किसी को शिफ्ट करना हो तो शिफ्ट कर सकें। सुबह ही हम लोगों ने सिविल हॉस्पिटल, बलरामपुर हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर, आपने देखा होगा साइट के ऊपर बलरामपुर हॉस्पिटल की भी एम्बुलेंसेज हैं, सिविल हॉस्पिटल की भी एम्बुलेंसेज हैं और ट्रॉमा सेंटर की एम्बुलेंसेज हैं। इसके अलावा 108 और ALS एम्बुलेंसेज भी हमारी डिप्लॉयड हैं। मैं पैरामेडिकल और चिकित्सा कर्मियों के यहाँ पे अभी सिविल में भर्ती हो रही है और सबका इलाज पूरी तरह से यहाँ का प्रशासन देख रहा है। लेवाना होटल के अंदर जो आग लगी और उसमें मुझे बताया कि दो साथियों को तो अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और काफ़ी लोग इस समय भी इंजर्ड हैं, आग से झुलसे हैं। सबसे पहले पत्रकार वार्ता शुरू करने से पहले दिवंगत आत्माओं को हम श्रद्धांजलि देते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार के हादसे इनकी ये बार बार ना हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस ओर ध्यान देगी। तो महत्वपूर्ण मुद्दा है, और मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मैंने आपको बताया, चार साल पहले होटल विराट और SJ इंटरनेशनल लाटूस रोड पर स्थित होटल थे, वहाँ पर भी आग लगी थी और वहाँ पर भी स्थिति ऐसी ही थी। हालांकि वहाँ पर जो अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई कैसी हुई, 30 लोगों के नाम आए थे, ADJ राजीव कृष्णा ने इसकी जांच की थी, उसके बाद 30 लोगों का नाम इसमें आए थे, और अब तक क्या कार्रवाई हुई ये किसी को पता नहीं। और सबसे बड़ी बात है, 7 जान वहाँ भी गई थी। और महत्वपूर्ण मुद्दा है, और याग का सिलसिला लगातार लखनऊ में नहीं पूरे देश में जारी है। फिलहाल हम राजधानी लखनऊ की बात करेंगे, और मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ देशबंधु दीक्षित, भारतीय जनता पार्टी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता प्रसपा के रूप में मोहम्मद अखलाक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता सपा के रूप में प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनुराग मिश्रा प्रवक्ता हमारी पार्टी के रूप में जुड़ चुके हैं, और JK सिन्हा जो कि वरिष्ठ समाजसेवी हैं और हमेशा सामाजिक कार्य में लगे रहते हैं, तो इनकी भी उपस्थिति यहाँ पर गरमामय है, और निश्चित रूप से ये भी अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। तो पहला हमारा सवाल रहेगा, वो रहेगा देशबंधु दीक्षित से, शायद देशबंधु दीक्षित मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, तो पहला अगर सवाल लेंगे तो हम प्रवक्ता सपा भुवन भास्कर जोशी से लेते हैं। भुवन जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आवाज आ रही है आपको। भुवन जी, सरकार जो अभी है वर्तमान की है, पर इसके पहले अगर हम देखें तो जो लेबना इंटरनेशनल है इसको 10 साल से लगातार चल रहा था, और नया NOC थी, और जो इसका जो नक्शा था वो भी पास नहीं था, इसके बावजूद इतने महत्वपूर्ण जगह यानी BIBIP एरिया कहलाता है हजरतगंज, वहाँ पर ये लगातार चल रहा था, उसके बाद भी इस पर कार्रवाई नहीं हुई। क्योंकि अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार का ही 5 साल कटआउट हो चुका है, उससे पहले कार्यकाल आपका था, तो कहीं ना कहीं क्या आग लगने का इंतजार कर रहे थे, या इस तरफ कोई ध्यान देना ही नहीं चाहता, ना अग्निशमन विभाग के कर्मचारी और ना LD कर्मचारी, क्या मानते हैं इस तरह की जो गतिविधियां होती हैं इसका खामियाजा जनता भुगतती है, कौन जिम्मेदार है? ये आपने एक बिल्कुल सही प्रश्न उठाया है। निश्चित तौर पे आप कहेंगे इस तरह की जो घटनाएं घटती है उससे एक आम जन का नुकसान होता है, और इस देश के उन लोगों का जनमत का भी नुकसान हम पाते हैं जिन्होंने सरकार को चुना है। और निश्चित तौर पे हम ये पाते हैं, ये एकमात्र घटनाएं नहीं है जहां पर इनका एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर हुआ है। आप ये लगातार ये देखिएगा, जो भी आप चाहे लल्लू मॉल की घटना को देखिएगा, चाहे कानपुर की घटना को देखिएगा, लगातार इनका एडमिनिस्ट्रेशन और इंटेलिजेंस दोनों इनका फेलियर है। और लगातार आप ये देखेंगे, आप पा रहे होंगे कि जो अधिकारी है वो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं।
और जिसके कारण आज जनता को इतनी त्राही त्राही हो गई है और आप देख पा रहे हैं कि एक कई लोगों ने अपना परिवार इस घटना में खो दिया है। ये घटना की हम बहुत कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हम आशा करते हैं कि सरकार इसकी जांच कराए और उन परिवारों को मुआवजा दे और उन अधिकारियों पर जिनकी वजह से ये घटना को अंजाम मिला है उन अधिकारियों को ऐसा सबक मिले कि आगे भविष्य में ऐसी घटना ना घटे। तो समाजवादी पार्टी कोई प्रदर्शन नहीं करेगी इसके लिए, मांगी कर रही, पहले भी यहाँ पर घटनाएं होती है, जांच चलती रहती है, क्या आपका कर्तव्य नहीं है विपक्ष होने के नाते कि सरकार अगर नींद से खोई हुई है तो आप उसको जगाएं कि भाई कार्रवाई होती क्यों नहीं है? जब तक कार्रवाई हो गई नहीं तब तक ये लोग सुधरेंगे कैसे? देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने आपने विधानसभा के जब विपक्ष के नेता के रूप में शपथ ली और उन्होंने एक संकल्प लिया कि जनहित के मुद्दों पर हम सरकार को सहयोग करेंगे और जहां जनता के हितों से टकराव होगा वहां पर हम संघर्ष करेंगे सड़क से लेकर सदन तक। निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी ने विभिन्न मुद्दों को सदन में भी उठाने का काम करा है और सड़क में भी उठाने का काम किया है और आप देखेंगे जो इस तरह की घटनाएं घटती है अगर सरकार की ओर से एक्शन नहीं होता निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी इसमें एक्शन लेने का काम करेगी। ठीक है, हमारे साथ प्रवक्ता आपके रूप में अनुराग मिश्रा जुड़े हुए हैं। अनुराग भाई, घटनाएं होती रहती है, नींद नहीं खुलती है और जिम्मेदार अधिकारियों की कार्रवाई कब होगी? हालांकि कहा जा रहा है कि जो मालिक है रोहित अग्रवाल और राहुल अग्रवाल उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और सुनने में आया है कि अब वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई भी होगी, तो क्या हम घटना का इंतजार कर रहे थे या फिर ऐसी जो घटनाएं हैं वो हमारी नींद को खोलने का काम करती हैं पर अधिकारियों में कार्रवाई नहीं होती है, वो कार्रवाई कब होगी? जी तो उन लोगों के प्रति जी देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर प्रशासन जनहित के मामलों पर सकारात्मक नहीं रहेगा, हम लोग इस तरह की चर्चाएं करते हैं, कोई घटना हो जाती है चैनलों पर बैठ के बातचीत हो जाती है, चार दिन बाद लोग भूल जाते हैं और फिर उसके बाद दिखावे के लिए बड़े पैमाने पर थोड़ा गिरफ्तारी हो जाएगी, थोड़ी सी और चीजें हो जाएंगी, उसके बाद वो सब ठंडे बस्ते में चली जाती है। सवाल इस बात का है कि जिम्मेदारी एक राजनीतिक दल के रूप में हम सबकी भी है और खुद सत्ता पक्ष के लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हम अक्सर जब भी निकलते हैं कहीं बाहर निकलते हैं आप देखिए हर जगह की यही स्थिति है, होटल की बात ले लीजिए जी या तमाम अभी आप हर शहर की कहानी यह है कि जर्जर आपको भवन दिख जाएंगे, एकदम सड़क के किनारे एकदम जर्जर भवन पड़े रहे हैं जी, उसके मानक के अनुरूप उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती जी। तो हर जगह प्रशासन में लोगों का चलन एक हो गया है जी। कि सत्ता में अगर कोई पार्टी है तो सत्ता में पार्टी जो रहती है तो लोग उसके झंडे अपने गाड़ियों पर लगा लेते हैं, जितने भी व्यवसायी हैं व्यवसाय करने वाले हैं सत्ता पक्ष के, ऐसा लगेगा कि जैसे पूरे प्रदेश में पूरे देश में उन्हीं का सब कुछ चल रहा है जी। तो जितने लोग गैर कानूनी काम करते हैं या कानून से बचना चाहते हैं वो सब झंडा लगा करके अपने को सेफ करना चाहते हैं जी। संविधान के हिसाब से चलना चाहिए, सरकारों को झंडा देख करके, जब तक इस देश में जो झंडा देख करके पार्टी देख करके अपना और पराया देख करके इनको बुलडोजर चलाएंगे इनको नहीं चलाएंगे, अरे अगर विपक्षी भी है तो विपक्षी भी जो होता है वो देश का ही आपके भारत का नागरिक है, वो सवाल करता है तो जेन्युइन जनहित के मुद्दों पर करता है, अगर आप उससे सीख करके अगर आप सीख नहीं लेंगे तो इस तरह की जनहानि होती रहेगी। क्योंकि मैंने देखा है, आप देखिए कि जो तमाम चीजें हैं उसमें पार्टियों का क्या है, जब सत्ता में आ गई तो सत्ता में आने के बाद उनको जनहित से ज्यादा केवल किसको अपने लोगों को कितना लाभ दे दिया जाए जी। किस तरीके से उनको अपरोक्ष रूप से फायदे उठाए जाए, तो ये सब चीजें देख रहे हैं हर जगह हो रहा है, तो बुलडोजर होगा कार्रवाई होगी। अगर आप विपक्ष के हैं आज आप बता दीजिए शहरों में जो नक्शे पास होते हैं जो महायोजना है आज अगर ईमानदारी से देखा जाए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मानक है, दुनिया भर का मानक है, किसी भी मानक को अगर देखा जाए तो आप अमूमन कोई जगह फॉलो ही नहीं होता है जी। तो इस तरह की चीजों पर प्रशासन को सख्त होना चाहिए और एक जिम्मेदारी से अगर
आप सत्ता में अगर आए हैं, इतने मैसिव सपोर्ट आपको मिला दो दो बार, तो आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि थोड़ा सा इधर भी देखिए। राजनीति हमेशा होती रहेगी, लेकिन आपको जनता ने इसलिए चुना है कि लोगों के स्कूल अच्छे हों, अस्पताल अच्छे हों, लोगों के जान माल की सुरक्षा हो, लेकिन सारा केवल एक चीज पर ध्यान रखा गया है कि किस तरीके से कहां कहां प्रशासन पैसे लूट सकता है। जब प्रशासन में लूट होगी, खसोट होगी, भ्रष्टाचार होगा और वॉशिंग मशीन बना करके जो है हमारी पार्टी में आ जाओ, तुम्हारे सारे दाग धुल जाएंगे, अगर इस पर राजनीति होगी तो हमें नहीं लगता है कि कभी इस तरह के सुधार होंगे। तो मुझे लगता है कि अभी इस पे बहुत बोलने पे ये होगा कि राजनीति कर रहे हैं लोग, लेकिन ये है कि आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि अगर चार साल पहले अगर इस तरह की घटनाएं हुई हैं तो उसमें आज जरूर मूल्यांकन करने का प्रश्न है कि उसमें जो भी जांच हुई थी उसमें जिन लोगों को दोषी पाया गया था उस पर भी सरकार को चाहिए कि श्वेत पत्र जारी करे कि उसमें किन लोगों के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हुई, कहीं वो छूट तो नहीं गए। तो ये चीज दूसरे मुआवजा अनुराग भाई, विपक्ष की भूमिका भी होनी चाहिए भाई। यहाँ पर केवल बेरोजगारी, नौकरी और ईडी और सीबीआई मुद्दे के अलावा जनमत के मुद्दे भी उठाने चाहिए भाई। अगर इस तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है तो बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए भाई। आपकी जिम्मेदारी है जी, बिल्कुल जिम्मेदारी है। आज ही, आज शिक्षक दिवस पे मैं बता रहा हूँ, आज ही से हमारे पार्टी ने काम शुरू किया है कि जो जर्जर भवन है, मैं बताऊं आज मैं जौनपुर में नईगंज में एक नगर क्षेत्र का मैंने विद्यालय का दौरा किया, 225 आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा, 225 छात्र उसमें इनरोल्ड हैं। इतना जर्जर भवन है और सेकंड फ्लोर पे उसके जो है जो रेलिंग बनी हुई है वो रेलिंग पूरी तरह से टूटी हुई है, मतलब बिना रेलिंग के है, और उसमें कक्षा 5 तक के छोटे छोटे नौनिहाल हमारे पढ़ते हैं, ना तो उसमें बाउंड्री है और ना तो इस तरह का कोई चीज है। तो भाई सवाल ये है कि अगर हम अपने जनता के मुद्दों को नहीं उठाएंगे, जनहित के मुद्दों को हम तो बराबर उठा रहे हैं, हमने आज ही जारी किया है कि जहां के जर्जर भवन हो, स्कूल की बात है, अस्पतालों का मुद्दा उठाते रहते हैं हम लोग, तो हमेशा महंगाई का हो, जर्जर भवन की बात हो, सड़कों का मुद्दा हो, हर मुद्दे को उठा रहे हैं, बराबर सड़क पर है, संघर्ष कर रहे हैं और इससे पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ प्रवक्ता प्रस्ताव ग्रुप में मोहम्मद इखलाक जुड़े हुए हैं। इखलाक भाई, भाई आपकी पार्टी ने भी अभी हाल में ही यदुकुल पुनर्जागरण मिशन की बात कही, गरीब जो कमजोर तबके हैं उनके लिए काम करेंगे और जो जनता के मुद्दे उनको उठाएंगे। क्या मानते हैं, जिस तरह से ये घटना हुई है उसके बाद भी लगातार हम देख रहे हैं, और अभी ये घटना हुई है और कुछ समय बाद जब इस पर जांच, जब ये धीरे मामला ठंडा होगा उससे वही वो मामला होगा धाक के 3 बार, और जो जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई नहीं होती, वही कारण है कि इस तरह की घटना लगातार होती रहती है। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आज जो लोग, जिन लोगों ने अपनी, जिनकी जान चली गई जी इस होटल में, और जो लोग घायल हुए हैं जी, उनके साथ मैं, मेरी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और हमारे नेता अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव साहब खड़े हुए हैं जी, उनके परिजनों के साथ हम खड़े हुए हैं जी। उनकी जो भी लड़ाई होगी, चाहे वो सरकार से लड़ने का काम हो, चाहे जो भी उनकी लड़ाई होगी, मैं, मेरी पार्टी, मेरे पार्टी के नेता उनके साथ रहेंगे और उनके साथ लड़ेंगे। और देखिए, बात आज होटल में इतनी बड़ी घटना आज हो गई, ये बहुत ही दुखद घटना हुई है जी। ये एक इंसान की आत्मा को तोड़ देने वाली घटना है कि 4 जाने चली गई हैं, वो भी जल के चली गई हैं। तो आखिर होटल के अंदर क्या फायर के उपकरण मौजूद नहीं थे जी? जो चीजें होती, जो बहुत ही बेसिक चीजें होती हैं, स्मोक डिटेक्टर होता है, सिलेंडर होते हैं, स्प्रिंकल्स होते हैं, जो नॉर्मल चीजें होती हैं कि इनसे भी अगर आग लगती है तो उसको बुझाया जा सकता है, तो क्या इस होटल के अंदर वो भी मौजूद नहीं थी? और आखिर किन अधिकारियों ने, कौन से अधिकारी हैं जिनके संरक्षण में होटल चल रहे थे? हजरतगंज में होटल है, बहुत ही पॉश एरिया में होटल है, तो बिना अधिकारियों के बिना मदद से होटल नहीं चल रहा। नहीं, और रही बात, देखिए जो भी हम लोग हैं विपक्ष में हैं, हमारी भी जिम्मेदारी है कि अगर उत्तर प्रदेश के जनता के लोगों के साथ कोई भी घटना घट रही है या वो परेशान है सरकार के खिलाफ, तो हम, पहली जिम्मेदारी देखिए हमारी आएगी सरकार से पहले, क्योंकि हम विपक्ष में हैं जी। और जनता के मुद्दों को हम लेके जाएंगे, मगर देखिए मुद्दा आज इतना गंभीर मुद्दा है, इसमें राजनीति, जैसे आपने कहा कि इस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए, राजनीति हो भी नहीं रही है इस गंभीर मुद्दे में, उन सभी परिजनों के साथ हम सब हैं, हमारी पार्टी। मगर एक बात हम आज आपके माध्यम से पूछना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी से और इनके सरकार से, कि आखिर उन अधिकारियों पे कब कार्रवाई होगी?
जी आज आप देखिए केवल ये होटल इतनी बड़ी घटना हुई है, इससे पहले न जाने कितनी ऐसी की बिल्डिंगें हैं जो कि जर्जर के तरीके से हैं और राज्य सरकार की जमीन पे बनी हुई हैं, उन पे भी अधिकारी पैसा लेके बैठे हुए हैं, कोई उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है। तो सबसे पहले उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करें। तो ये मांग कौन करेगा भाई? ये अधिकारी ये काम करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। नहीं, मांग कौन करेगा? ये मांग हम कर रहे हैं, आपके माध्यम से कर रहे हैं, विपक्ष बैठे लोग कर रहे हैं। हमारे नेता ने सदन में भी कहा कि मुख्यमंत्री जी ईमानदार है, मगर अधिकारी भ्रष्ट है जी। तो ये हम जनता की जो मांगे हैं इनको रोड पे भी लेने का काम करेंगे। टीवी पे तो देखिए हम जो कर रहे हैं वो कर सकते हैं, पर असली लड़ाई जो होगी वो हम रोडों पे, सड़क पे, जनता के बीच में जनता के लिए लड़ेंगे। अनुराग भाई, अभी आपके पास लेता हूँ, हमारे समाज सेवी ग्रुप में जेके सिन्हा जी मौजूद है। सिन्हा साहब, गहन अनुभव है, क्या मानते हैं इस तरह की घटनाएं जिनमें जनहानि हो जाए, और वही घटनाएं आज की नहीं है, 18 में भी हुई है, वहां भी लोग जनहानि हुई थी, सबक नहीं लिया, और सबक के साथ साथ सभी बात है कि जो जिम्मेदार अफसर हैं उन पर कार्रवाई कब होगी? देखिए, इसमें सबसे पहले सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आग के कारणों को पता लगा, आग कैसे लगी, एक तो सवाल ये। दूसरी चीज, कौन कौन विभाग इसमें जुड़े हुए हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहला नंबर आता है जो बिल्डिंगें बनती हैं यानी विकास प्राधिकरण, एक। दूसरा अग्निशमन जो विभाग है, फायर ऑफिस जो है, फायर विभाग जो है, उसमें हमें लगता है कि फायर वालों को इतनी अधिकार नहीं मिले हैं जिससे वो मजबूत कार्रवाई करें। जैसे कि मान लीजिए कि वो फायर फाइटिंग सिस्टम को चेक करने उनको बराबर जाना चाहिए, और जो गलत पाए जाते हैं उनको कार्रवाई करने का अधिकार होना चाहिए। होता क्या है, वो छोटे छोटे सिलेंडर देखने जाते हैं, उनके कर्मचारी 100-500 दे के उसको ठीक कर देते हैं, चले जाते हैं, बड़ी जगह पे ये लोग जाते नहीं है। सवाल ये है, तो आग लगने का सबसे पहले इनका इनकी पावर अगर बढ़ेगी तो लोग खुद ही शिकंजा कसते रहेंगे। जो होटल चल रहे हैं, बड़े पॉश एरिया में बड़े बड़े होटल चल रहे हैं, और वहाँ पे होटल चल रहे हैं, वहाँ पे जो ये जाएंगे अगर देखेंगे फायर फाइटिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा, तुरंत उन पर जुर्माना लगाते हैं, तुरंत उन पर एक्शन लेने, और सख्त कानून, थोड़ा सा कानून तो खैर बहुत सारे बनाए जा रहे हैं, और थोड़ा सा संशोधन होना चाहिए, और बराबर कानून उसको बनते रहने चाहिए। तो इससे एक सबक मिलेगा, जैसे मान लीजिए होटल है, जब एक पहले तो विराट होटल में आग लग गई थी, 4 में कई लोग मरे थे, वो उस पर भी LDA के कंट्रोल पे ही कार्रवाई की, फायर वाल पे कार्रवाई क्यों नहीं? 30 लोग उस पर जांच की समिति की रिपोर्ट में 30 लोगों पर नाम आया था, 30 लोगों का नाम आया था। उसके बाद अब ये पुनरावृत्ति फिर से हो गई। अब उससे पहले कई एक अमीनाबाद मार्केट में बहुत भयंकर आग लगी थी, उस पर कुछ नहीं हुआ। तो सवाल ये कि जब फायर वाले थोड़ा तेजी पकड़ेंगे, जगह जगह जाएंगे, देखेंगे फिर तंखा किस बात की मिली, खाली आग क्या बुझाने की। सुना सर, बस थोड़ी बात है, बिना NOC के बिल्डिंग को बिल्डिंग बनाने की अनुमति कैसे? ये तो भाई सीधी बात है, लेन देन का मामला है। हम तो साफ साफ कहते हैं कि जहाँ पे लेन देन कर दिया, बन गए विभाग, बन गई बिल्डिंग, तन गई, पूरा आधा शहर तो अवैध रूप से बना हुआ है। अब आप पता है किन किन पे बुलडोजर चलाएंगे, बहुत सारे ट्विन टावर है लखनऊ में भी, ट्विन टावर है बहुत, हाँ, तो किन पे बुलडोजर चले? हमको लगता है कि अगर 90% शहर पे अगर आ जाए तो 90-80% जो हमारी अवैध बिल्डिंग है सब तोड़नी पड़ेंगी, तो उन पे कार्रवाई कैसे होगी? कार्रवाई होना अच्छी बात, कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, लेकिन लंबा प्रोसेस हो जाएगा। फिलहाल मेरे समझ एक सुझाव है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, सरकार को कहना चाहूँगा कि सबसे पहले फायर वालों को अधिकार दें, उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाएं, जिससे ये आग की चीज़ों पे कंट्रोल पाया जाए। पहले ही अगर ये फायर फाइटिंग सिस्टम काम कर रहे हो तो शायद आग लगती भी, मान लीजिए हम ये तो कहेंगे नहीं कि आग लगा दी किसी ने, जी आग लग गई तो उस पर कंट्रोल कर जाना चाहिए था, ये दुर्घटना ना होती, जो जिनकी मौतें भी ये शायद ना होती। जी जी, मेरा तो कहना ही है जी। सिन्हा साहब, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ प्रवक्ता आपके रूप में अनुराग भाई, अनुराग भाई कोई बात बोल रहे थे आप, एक लाख की बात सुनकर। देखिए, बात मेरी ये हो रही थी कि अभी हमारे एक साथी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी तो ईमानदार हैं जी, लेकिन उसके नीचे अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं जी, वो बेईमान हैं जी। तो देखिए, मेरा मानना है कि अगर कप्तान आपका अच्छा है जी, सही है जी, सच में ईमानदार है जी, तो नीचे के लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती है कि वो इस तरह के काम करें। मैं इस पे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। दूसरी बात, मेरा ये मानना है कि एक बहुत बड़ा चलन है, मैंने देखा है कई संस्थाओं में, मैं भी उच्च शिक्षा विभाग से भी जुड़ा हूँ, वहां भी मैं देखता हूँ तमाम विभागों में जी। जब मानक लंबे चौड़े बनाए जाते हैं तो अधिकारी उसका एक रास्ता निकालते हैं जी, और वहीं पे चूक होती है और उसकी कभी जांच नहीं होती है। जो मानक वो पूरा नहीं कर पाते हैं उसका एक 100 रुपए का हलफनामा लगा के दे देते हैं, जैसे कि कोई चीज, जैसे अभी कहा ना ट्विन टावर बगल में, अगर आपके पास तो कोई मानक है कि इसके इतने किलोमीटर के भीतर दूसरा कॉलेज नहीं होना चाहिए, इसमें ये मानक नहीं होना चाहिए, तो वो ये कह देते हैं कि हाँ साहब हमने पूरा किया है, अपने अपने एक शपथ पत्र पे वो अपने बचाव के लिए ले लेते हैं, कोई भी उसमें सारी बात झूठ लिखी जाती है, लेकिन उसके बावजूद वो ले करके अपना लेन देन करके काम चलता है। ये सारे विभागों में इस तरह के काम चलाने की चीजें चलती हैं जी।
तो ये भी एक माने लोग रास्ता निकाल लेते हैं कानूनों से बचने के लिए, लेकिन उसका खामियाजा अल्टीमेट हमको आपको आम जनमानस को भुगतना पड़ता है। दिल्ली में भी खूब आग लगती है, उसका क्या करेंगे भाई? दिल्ली में भी आग लगती रहती है, वहां पर भी मानक पूरे नहीं होते हैं, वहां पर तो आपकी सरकार है भाई। नहीं, जहां भी मानक पूरे नहीं होते हैं वहां क्या करें, वहां तो दुरुस्त कराइए कम से कम। बिल्कुल दुरुस्त होता है, जो जो भी चीजें मानक के अनुसार होता है उस पे एक्शन लिया जाता है जी। और अगर आपको लगता है तो आप बिल्कुल बताइए, हम लोग सीखने के लिए बने हैं, एक दूसरे से सीखा जाएगा। नहीं तो ये नहीं, मेरा कहना सबक सबक ही लेते रहेंगे या घटना का इंतजार करेंगे या फिर उस जगह चलकर काम करेंगे? देश में कहीं भी कोई भी घटना होती है जी, हम सबको मानवीय संवेदना से युक्त होना चाहिए और हमको सबक लेना चाहिए। और शायद हमने सबक लेकर के ही शानदार स्कूल अगर बनाए जर्जर भवन तो नौनिहालों को बचाने के लिए, तो इसीलिए ठीक है। लेकिन उस पर भी ये लोग राजनीति करते हैं। अभी लेता हूँ हमारे साथ प्रवक्ता भाजपा ग्रुप में कंचन जी जुड़ गई। कंचन जी स्वागत है आपका। महत्वपूर्ण मुद्दा है कि लेवाना जो होटल है लखनऊ में, वहां पर आग लगी और चार लोगों की मृत्यु हो गई और लोग घायल भी हुए हैं। क्या मानती हैं कि जो चूंकि ये होटल 10 साल से चल रहा था, सरकार को आपके लगभग लगभग 5 साल पूरे हो चुके, दूसरे कार्यकाल शुरू, उसके पहले सपा सरकार थी, NOC नहीं थी, उसके बाद भी बिना नक्शे के ये होटल चलाया जा रहा था, जिम्मेदारों ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके पहले 18 में भी एक कांड हुआ था जिसमें कि 7 लोगों की मौत हो गई थी चारबाग स्थित होटलों में। क्या मानती है इस तरह की घटनाएं होती हैं, लोग की जान चाहती है, पर जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई कब होगी, कब इस पर एक रास्ता निकाला जाएगा? जी जी, 2018 से ही शुरू हो जाती है, ये आदेश दिए, लेकिन ये जो अभी की जो घटनाएं को देखा जाए तो इससे पता चलता है कि आदरणीय योगी जी के आदेश का ठीक से पालन नहीं हुआ, अधिकारियों ने ठीक से पालन नहीं किया। ये मैं आपकी खुली डिबेट में बोल रही हूँ और ये स्वीकार भी करती हूँ कि कहीं ना कहीं अधिकारियों की फॉल्ट है। आदरणीय योगी जी ने इस पर आदेश भी दिया लेकिन हमारे अधिकारियों ने उस चीज को नहीं देखा, इसका मतलब अधिकारियों की फॉल्ट है। और मैं ये कह सकती हूँ कि आदरणीय योगी जी इस चीज को बहुत अच्छे से तरीके से समझेंगे और जिसकी यहाँ से अधिकारियों की भी जो गलती है उसको भी देखा जाएगा बिल्कुल उसी तरीके से, जैसे अगर किसी मंत्री के रूप में या फिर किसी विभाग से घटना घटती है या कोई घोटाला होता है या कोई कमी आती है तो वो हम उनकी OLC लोगों की कमी होती है, उसको आदरणीय योगी जी हमारी सरकार में देखते हैं और उसकी घटना के हिसाब से उसको सजा भी देते हैं। तो ये अभी अभी उदाहरण में भी आया है हमारी सरकार में, पहले कभी नहीं होता था लेकिन हमारी सरकार में ऐसा होना शुरू हुआ है, शायद मुझे लगता है कि पहली दफा ऐसा हुआ होगा। बाकी मैं इस मुद्दे में भी कहूंगी कि इसके रूप में अगर अधिकारियों से अगर नहीं तो गलती है और गलती है तो आदरणीय योगी जी उन अधिकारियों को जरूर कोई ना कोई सजा देंगे, कोई ना कोई उनका जो अधिकार होगा वो उनको दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई मामूली बात नहीं है, चार लोगों की जान गई है और कुछ लोग घायल हुए हैं वो भी बिना सिस्टम से आप होटल चला रहे हैं, तो इसकी सजा तो उनको खैर मिल चुकी है, मिल रही है और मिल भी जाएगी। इसमें जो भी उपयोगी ना हो करके जो भी इस घटना का जिम्मेदार है मैं कहूंगी कि उसको वो सजा मिलनी चाहिए और विश्वासपूर्ण तरीके से मैं कह सकती हूँ कि मिलेगी। कंचन जी, सरकार ने बुलडोजर चलाने के आदेश भी दे दिए हैं, होटल गिराया जाएगा, सील करके गिराया जाएगा, पर क्या मानते हैं कि ऐसे होटल कई बहुतों हैं लखनऊ में, ऐसे होटल हैं जिनकी जो कि मानक के अनुरूप नहीं बने हैं, तो क्या मानते हैं एक प्रकार से ऑडिट होनी चाहिए और ऑडिट के बाद जो भी होटल के मानक पूरे नाम हो जाए उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए गौरव जी, इस प्रक्रिया से और इस घटना से आदरणीय और वो इसमें सख्त से सख्त आदेश देंगे, कोई ना कोई कानून और बंदूक के हिसाब से देखेंगे और इसमें कार्रवाई भी होगी, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि अधिकारी इस घटना से टाल पाएंगे या फिर उनकी अनसुनी कर पाएंगे या फिर इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं देखेंगे, क्योंकि उनको ये पता है कि अभी सारी चीजें आदरणीय योगी को देखेंगे, उस पर नजर रहेगी, इसलिए इसमें ढीला नहीं होगा और कोई ना कोई कार्रवाई जरूर होगी और पूरी तरीके से होगी सारे होटल या फिर भी। बाकी जो बुलडोजर गिरने की बात है वो तो वही प्रक्रिया है कि अगर आपका सिस्टम के आदमी नहीं आ रहा है, अगर आप कहीं ना कहीं नियमों के विरुद्ध जा रहे हैं तो फिर आपकी चीजें खराब होंगी और वो होटल वही प्रकृति है, इसके बुलडोजर चलाया जा रहा है। ठीक है, ठीक है। प्रवक्ता सभा कुछ बोलना चाह रहे हैं, जोशी जी अपनी बात पूरी करिए। देखिए ये जो अधिकारियों के
राज्यों की लापरवाही है इसका एकमात्र उदाहरण नहीं है। मैं आपको एक संज्ञान देना चाहता हूँ एक घटना का जी। एक मोदी नगर में स्कूल की लापरवाही से, आरटीओ विभाग की लापरवाही से एक बस के द्वारा एक विद्यार्थी की हत्या हो जाती है जी। और आप यकीन करेंगे जो एसडीएम साहिबा है वो पुलिस स्कूल प्रशासन के दबाव में पीड़ित पक्ष को दबाने का काम करती है जी। निश्चित तौर पर जिस परिवार ने अपना बालक खोया हो जी। उसकी स्थिति को आप समझिए कि उसको स्कूल प्रशासन के दबाव में उनको हड़का रहा है। ये घटना बताने का मेरा उद्देश्य है कि प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनका रवैया जनता के प्रति किस प्रकार है, ये मैं एक घटना के बारे में बता रहा हूँ। और निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि योगी सरकार में जो प्रशासन है वो कुंभकर्ण की निद्रा में है। और निश्चित तौर पर आप ये देखिएगा इस घटना के बाद आप ये पाएंगे कि खाना पूर्ति करके इसको भी केस को बरी कर दिया जाएगा। और ऐसी भावनाएं हम लगातार सरकार की ओर से देख पा रहे हैं जी। ठीक है ठीक है, हमारे समाज से भी जगह सना साहब जुड़े हैं। सना साहब अपनी बात पूरी करें। जवाब दे दूं वारंट से? अभी आपको बात देता हूं जी। मैं कंचन जी से पूछना चाहता हूं कि जो लोग जिनकी मौत हुई है उनकी क्या सहायता की गई सरकार से? भाई योगी जी वहाँ स्वयं देखने गए हैं और नहीं देखने गए, ठीक है देखने गए हैं। बिल्कुल जायज बात है कि उनकी उनकी अगर योगी जी गए हैं उनकी सहायता होनी होनी पूरी तरीके से सहायता। क्या क्या कोई आर्थिक ऐसा बिल्कुल ना समझे, क्या कोई आर्थिक सहायता दी गई है? क्या कोई आर्थिक सहायता दी गई या घोषणा की गई है? ये सारी चीजें घोषणा पे नहीं होती है भैया, ये बहुत ही गंभीर मामला है। अभी और इन सारी चीजों के लिए घोषणा नहीं देनी होती, कोई चुनावी रैली नहीं चल रही है। कैटेगरी हो सकती है लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी जी की कैटेगरी नहीं है कि वो जब मरीज जला पड़ा हो और उसके लिए उनको ये घोषणा करनी पड़े। मैं घोषणा की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं लगता कि ये नहीं बिल्कुल ठीक है, घोषणा की बात नहीं, उनको आर्थिक सहायता दी गई है ये कुछ पता चला कुछ है? क्यों नहीं दी जाएगी? आदरणीय योगी जी देखने जा रहे हैं, उनकी पूरी ख्याल व्यवस्था उनके द्वारा हो रही है। आपको तो ये प्रश्न नहीं बनता है कि ये प्रश्न करेंगे आप? मैम व्यवस्था तो पहले से थी, तब भी तो घटना होती जा रही है, व्यवस्था तो 5 साल पहले भी थी, आग पहले लगती आ रही, बराबर लगती आ रही। जी घटना देखिए, घटना तो एक अकस्मात चीजें हैं, वो कभी भी होंगी, वो ईश्वर की जी 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 ईश्वर की एक नजर दृष्टि होती है, उनका ही होता है। लेकिन हाँ उसके बाद अगर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है और उसका विरोध ना करके उसका पक्ष लिया जाता है, जैसे मैं सपा की बात करूं तो सपा में जो भी घटना होती है वहां पर मंजूर नहीं, ये माना नहीं जाता कि गलती है हमसे या फिर हमारे द्वारा किसी अधिकारी के द्वारा कमी हुई होगी या फिर किसी हमारे मंत्री के द्वारा नहीं, नहीं वहां पे सीधा बोल दिया जाता नहीं हमारी गलती है ही नहीं। तो कम से कम इस बात से ईमानदारी से आप लोगों को खुश होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कभी नहीं करती, हम लोग कभी नहीं करते, जो गलती है उस पर पर्दा नहीं डालते, उसको उभार कर करके उसको संभालने का प्रयास करते हैं और बहुत सारी चीजें संभलती चली आ रही है। तो यहाँ पर तो सब सेवा का भाव है और सारी चीजें हमारे यहाँ संभलनी चाहिए। कानून व्यवस्था जो खराब है वो ठीक होने चाहिए, जो धरने पे नियम चल रहे हैं वो खत्म होने चाहिए और खत्म करने की पद्धति में भारतीय जनता पार्टी चल रही है। ठीक है ठीक है ठीक है, इलाह भाई कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए अभी जो मैं जैसा सुन रहा था कि प्रवक्ता भाजपा ने कहा कि जो घटना हुई है इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी गए हैं जी। तो बिल्कुल मुख्यमंत्री जी जाएंगे क्योंकि इन्हीं लोगों ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया है। एक बात और उठी कि अभी तक किसी भी चीज़ का ऐलान नहीं किया गया है। ऐलान देखिए करने वाली चीज़ें नहीं है, दिखाने वाली चीज़ें नहीं, वो आपके ऊपर। एक कमेटी आखिर अब तक क्यों नहीं बन गई जिन्होंने, जो अधिकारी इनके पीछे थे उनके क्या जांच इनकी प्रक्रिया शुरू हुई, मैं ये जानना चाहूंगा। दो कमेटियां मैं तो कहना बनना चाहिए कि दो कमेटी बननी चाहिए, एक तो इस होटल में आग कैसे लगी उसकी जांच करें और दूसरी कि कौन से अधिकारी इसमें मिले हुए उन पे आखिर भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी कब कार्रवाई करेंगे। और कम से कम होटलों के अंदर या जो भी आज लॉन चल रहे हैं उत्तर प्रदेश या होटलों के अंदर जी बिल्कुल, वो उनको उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। आज कई लॉन ऐसे जो कार्रवाई हुई है बल्कि चोरी छुपे चल रहे हैं जी। और ये सरकार को भी पता है, प्रशासन को भी पता है, लोकल पुलिस को भी पता है जी। अगर जहाँ लेन देन की बात आती है, अभी मैंने कहा था वहाँ सब चीज़ें दब जाती हैं। और रही बात देखिए कुछ मानक के तौर पर तो उपकरण होने चाहिए फायर के, देखिए आग इतनी जल्दी भयानक तरीके से लगती है, धीरे धीरे शुरू होती है, तो कुछ कम से कम उपकरण हो जिससे आग लगे और आग बुझाई जा सके। तो ये सरकार की कोई सफलता नहीं है, बहुत बड़ी विफलता है कि आखिर घटना हुई, मैडम ने कहा घटना हुई, मगर घटना क्या नहीं होनी चाहिए? अगर अधिकारी इतने
सही तरीके से काम करते तो शायद ऐसी घटनाएं ना होती, और जिन चार लोगों की जान गई है तो क्या वो हम बयानबाजी कितनी भी कर लें, कितना भी मुआवजा दे लें, कितनी भी सहानुभूति दे लें, वो चार जाने हम उनकी वापस नहीं ला सकते हैं। उन परिवार वालों को उन चार जानों के बदले हम कुछ नहीं दे सकते। तो आज की घड़ी में हम, मेरी पार्टी उन सभी लोगों के साथ है और जितना हो सकेगा हम उनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। ठीक है अनुराग भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। जी मैं पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि एक तो जरूरत यह है कि जो लोग घायल हैं जी उनके लिए अच्छी तरीके की चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराई जाए, क्योंकि जिस तरीके से हमारे यहाँ की मेडिकल फैसिलिटी बनी है, जिसपे माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करता हूँ कि वो अपनी तरफ से विशेष रूप से रुचि लेकर के ऐसा करें कि जिससे कि जो अभी घायल लोग हैं उनकी जान को बचाया जा सके, उनको बेहतर चिकित्सा सुविधा मिले, जिन लोगों की मौत हो चुकी है उनको उचित मुआवजा दिया जाए। और तीसरी बात तब आती है, ये दो काम के बाद तीसरी चीज ये है कि बाकायदा पूरे जो है लखनऊ में ही नहीं, जहां भी बड़े महानगर हैं सभी जगह गाइडलाइन जारी करके एक बार अभियान चला करके जहां भी पांच इलाके हैं वहां पे ज्यादा खतरा होता है घनी बस्तियों में और सब, तो वहां पर इस तरह के जो मानक हैं उनकी कड़ाई से उसका पालन किया जाए और टीम बना करके, क्योंकि लोकल टीम जो होती है वो नहीं काम कर पाती, तो उसमें दो तीन जगह के लोगों को जोड़ करके अलग अलग जगह के लोगों को लखनऊ से टीम बना करके दूसरे महानगरों में और सब जगह, क्योंकि लोकल लोग तो सब मिले हुए होते हैं, उसकी जांच कराई जानी चाहिए, छापेमारी होनी चाहिए और उस पूरे मानक देखे जाने चाहिए, और ये कड़ा संदेश जाना चाहिए कि अगर कोई मानकों के विपरीत इस तरीके से जनहित के मामलों में अगर उपेक्षा करेगा, जान माल की हानि होने की संभावना हो, तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अनुराग भाई, ये कार्रवाई और ये अभियान क्या केवल उत्तर प्रदेश में चलेगा या दिल्ली में चलाया? दिल्ली में घटना हुई, आपको बता रहे चांदनी चौक में घटना हुई है, और वहाँ पर भी जो चार मंजिला इमारत थी उसमें घटना हुई थी, उसमें भी 25 गाड़ियां लगी हैं फायर ब्रिगेड की, तो ये केवल मामले उत्तर प्रदेश के नहीं है, इनमें तो सारे। मैं तो इस चीज को आपसे खुद ही कह रहा हूँ कि ऐसी घटनाएं कहीं भी हो वो दुर्भाग्यपूर्ण है और प्रशासन को सख्ती के साथ निपटना चाहिए जी। और हम एक दूसरे से अगर नहीं सीखेंगे, एक दूसरे को, ये राजनीति का विषय नहीं है, इस तरह की घटनाओं को लेकर के हम सबको संवेदनशील होना पड़ेगा और सब जगह बिल्कुल, मैं तो उससे इत्तेफाक रखता हूँ, मैं तो आपसे कह ही रहा हूँ, और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी सरकार इन सब मामलों में संवेदनशील है और वो मानकों का ख्याल रखती है, और इसीलिए हम बेहतर चिकित्सा सुविधाएं करते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में तमाम जो जर्जर भवन थे उनकी जगह पर हमने दिल्ली में बेहतर किया, जिससे कि हमारे जो भविष्य हैं, जो नौनिहाल हैं, उनके जीवन को भी सुरक्षित किया जा सके, उन्हें अच्छी पढ़ाई और शिक्षा दी जा सके। तो हम हर क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं, प्रयास करना चाहिए और लगातार एक दूसरे से सीखना चाहिए, इस पर मेरी ये सहमति। समाज से भी सुना था, कुछ कहना चाह रहे हैं भाई? मैं कहना चाह रहा हूँ कि सब लोगों ने अपने बातें कही, सब सही कही है। मैं कहता हूँ कि घटना जानबूझ के नहीं की गई है, ये सब ठीक है, लेकिन सवाल हमने पहले भी कहा था कि सरकार को, योगी जी को एक बात का ध्यान देना चाहिए, तो शायद उनका ध्यान नहीं गया। मैं कहना चाह रहा हूँ कंचन जी के माध्यम से, कहना चाहूँ जाके वो योगी जी से कहें कि फायर विभाग की पावर को बढ़ाना चाहिए, उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाना चाहिए, अगर फायर विभाग सक्षम होगा तो शायद आग की घटनाएं नहीं होंगी। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं, अपने आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि फायर विभाग की क्षमता को, फायर विभाग की पावर को, अधिकार को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, प्रवक्ता सभा के रूप में भवन भास्कर जी हैं। भवन जी, क्या मानते हैं जो अभियान की बात प्रवक्ता आप अनुराग मिश्रा ने कही है, तो आने वाले समय में इस तरह का अभियान चलाया जाएगा, और अगर नहीं चलाया जाएगा तो विपक्ष होने के नाते समाजवादी पार्टी क्या इसके लिए कोई अभियान छेड़ेगी? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ जो ऐसे संवेदनशील जो मुद्दे होते हैं जी, ये राजनीति का केंद्र नहीं हो सकते, क्योंकि कईयों ने अपना परिवार खोया है। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते और समाजवादी पार्टी की भावनाएं और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की भावनाएं उस परिवार के प्रति है, और निश्चित तौर पर हम लोग ये पाते हैं
जब भी इस तरह के बात की संघर्ष की बात आएगी तो निश्चित तौर पर आप ये देखेंगे अगर सरकार द्वारा उचित कदम नहीं उठाया गया तो माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी सड़क से सदन तक इस लड़ाई को लड़ने का काम करेगी और परिवार के जो जिनके परिवार को परिवारों के अपने लोग हुए हैं उनके साथ समाजवादी पार्टी मजबूती से करेगी। ठीक है, कंचन जी अपनी बात पूरी करिए। जिस प्रकार से सारे लोग अभी बोल रहे हैं भाव डॉक्टर छुड़े हुए हैं, कोई कह रहे हैं हमारी पार्टी साथ में, कुछ तो नहीं दिख रहा है कि लोग मिलने के जा रहे हैं, पार्टी साथ में है होने का मतलब है क्या? एक बार हम लोग किसी से मिलने क्यों जाते हैं? अगर किसी को तकलीफ है हम से जाते हैं, कम से कम उसके पास बैठ करते दो बातें करेंगे ना और उसको सहानुभूति देंगे तो उसका समय थोड़ा सा निकलेगा जिससे कि वो अपनी तकलीफ भूल जाएगा। कम से कम हम लोग इतना तो कर ही सकते हैं। अगर हाँ आपकी पार्टी किसी और चीज के लिए सक्षम नहीं है तो सरकार तो खैर सारी चीजें देख ही रही है, आदरणीय योगी जी देख ही रहे हैं, लेकिन आप कम से कम मिली आते क्या? गए क्या भुवन ज्योति जी से पूछिए ना, अखिलेश जी अभी वहां पर गए, वही बगल में ही रहते हैं, जाना चाहिए। अभी वो कह रहे हैं भावनात्मक तरीके से हम साथ में हैं, इसका क्या मतलब है? इसका कोई मतलब नहीं होता। इसलिए जनता बहुत अच्छी तरीके से जानती है आपकी भावनात्मक संवेदनाओं को, और ये जो अभी हमारे पूर्व प्रवक्ता भी बोल रहे थे साथ हैं, ऐसे साथ होने का कोई मतलब नहीं होता है। आप कम से कम अपनी बातों से जाकर के, अपने इरादों से जाकर के, अपनी भावनाओं से जाकर के उनके पास तो बैठिए, उनके उनसे दो बातें तो करिए, आपके साथ जुड़ेंगे वो लोग और आप उनके दर्द में शामिल हो जाएंगे। मुझे लगता है मेरे यहाँ पर कहा जाता है आप कैमरे में ना जाइए ना, अगर आपको राजनीति से डर होता तो आप कैमरा मत ले जाइए, आप वहाँ पर जाइए आराम से बातें करिए। जैसे अभी उन्होंने बोला कि क्या कोई घोषणा की? नहीं, घोषणा नहीं होती है, ऐसी चीजों में घोषणा करने की क्या आवश्यकता है? अगर आप दिल से जुड़े हुए हैं तो उनकी सहायता आप दिल से करेंगे और उसका प्रचार करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। और अगर आप राजनीति के साथ जाएंगे और प्रचार कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप राजनीति कर रहे हैं। अगर आप वहां जाकर के फोटोग्राफरी करवा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप राजनीति करने गए हैं। लेकिन हाँ, आप बहुत नॉर्मल तरीके से जा रहे हैं तो राजनीति नहीं, आप तब उनके साथ में भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है भवन जी, जवाब दीजिए भाई, कह रहे हैं अखिलेश जी बगल में रहते हैं और गए नहीं, भाई मुख्य विपक्ष है और जाना चाहिए, वहां पर क्यों नहीं गए भाई? देखिये, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब जब योगी सरकार के द्वारा कोई भी प्रताड़ित हुआ है समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा, मैं रख सकता हूँ कंचन जी की आज्ञा हो तो? जी बोलिए 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 योगी जी, ऐसा मत बोलिए कि मुझे बोलना पड़े। बोलिए बोलिए भवन जी, बात करिए। भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार के द्वारा कार्यकाल इनका है तो योगी सरकार ही कहलाएगी शायद, जितना मेरा राजनीति का ज्ञान है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। मैं कहना चाहता हूँ जो जी इस तरह की घटनाएं घटी है उनमें माननीय अखिलेश यादव जी ने मरहम लगाने का काम करा है, और निश्चित तौर पे हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी या हमारा डेलीगेशन, क्योंकि एक बड़ी पार्टी है तो एक डेलीगेशन हमारा चाहता है निश्चित तौर पे, और पार्टी स्तर पर भी हम लोग मदद करने का काम करते हैं। जी पर सरकार तो बड़ी पार्टी है पार्टी। जी पर भवन जी, ये तो 10 साल से चल रहा होटल, पहले आपकी सरकार थी उस समय भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्या इस तरह की ऑडिट या इस तरह की कोई अभियान नहीं चलाना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं ना हो? मैंने आपसे निश्चित तौर पे बोला है जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी थी, जैसे कि अग्नि विभाग होता है जी, उसके उसकी जिम्मेदारी होते हैं वहां पर जो उसके अग्नि बुझाने के यंत्र है वो लगे नहीं लगे वो उसकी, तो उनकी भी कार्रवाई होनी चाहिए, उन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए जो अन्य सुविधाएं वहां पर जो मूलभूत है वो क्यों नहीं आ पाई जी। निश्चित तौर पे ये एक प्रोसीजर है, हम लोग इसका समर्थन करते हैं कि जो जो अधिकारियों की वजह से लापरवाही, जिनके जो जो डिपार्टमेंट की लापरवाही इसमें है, उनकी एक कमेटी बैठा के उनकी जांच करी जाए और उन पे ऐसी कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में कोई अपना परिवार को ना खोए। पर जांच होती है पर कार्रवाई नहीं होती, क्या समाजवादी पार्टी भविष्य में इसके लिए कोई आंदोलन चलाएगी या इसकी मांग रखेगी या सरकार के पास इसके लिए जाएगी, उम्मीद कर सकती है जनता आपसे? देखिए, निश्चित तौर पर सदन में हम लोग इसकी आवाज को उठाने का काम करेंगे, और अगर योगी सरकार में उनको न्याय नहीं मिला और उनकी लड़ाई को नहीं लड़ा तो हम लोग इसकी लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे, हम मुख्य विपक्षी दल है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। चलिए, 18 केस हो चुका है, 22 का केस भी देख लिया जाएगा। अनुराग भाई अपनी बात पूरी करिए, अनुराग भाई अपनी बात पूरी करिए जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप जी? भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अपनी बहन से पूरी विनम्रता से यह कहना चाहता हूँ जी,
कि आज वो विपक्ष की जिम्मेदारियों की बात कर रहे हैं, संवेदनशीलता की बात कर रही हैं। विपक्ष बखूबी अपनी संवेदनशीलता को लेकर के हर एक कोई भी घटना हो रही है तो वहां पर पहुंचने का काम कर रही है, मुद्दों को उठाने का काम कर रही है। लेकिन मैं इनसे जानना चाहता हूं कि गुजरात में लगातार शराब के नकली शराब के मुद्दे पर लगभग 100 लोग मारे गए, उस पर एक बार जुबान भारतीय जनता पार्टी की संवेदनशीलता के नाम पर नहीं खोली गई। तो ये कहां तक उचित है कि जिसकी खुद गुजरात में सरकार हो, दिल्ली में सरकार हो, 18 राज्यों में सरकार हो, क्या वो इतनी संवेदनहीन होगी कि 100 लोगों की मौत हो जाती है, बाकायदा उसका व्यापार चल रहा हो और माफिया इतने बेधड़क हो कि वो जो है अगर कोई पुलिस वाला उनको रोकने के लिए जाए तो उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। और उसके बाद इनकी संवेदनहीनता इतनी है कि उस मुद्दे पर ये लोग कभी बोले ही नहीं। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये संवेदनशीलता विपक्ष ही दिखाएगा कि कहीं आप लोग भी दिखाएंगे? सर जवाब देते, हालांकि मुद्दा ये नहीं है, कंटिन्यू जवाब दे दीजिए भाई। नहीं, संवेदनशीलता को तो मुद्दा है ना। जी जी बोलिए। बहुत ही संवेदनशीलता के साथ ही ये बात हुई कि आप यहाँ पर जो बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर बिल्कुल भी वो बात नहीं कि घोषणा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, यहाँ पर साफ सुथरी बात करने बोलिए कि भावनात्मक स्थिति में अगर आप उनके साथ हैं, ऐसे साथ होने का कोई मतलब नहीं, कम से कम उनका दर्द जाकर के बांटे। बाकी आप कहते हैं वैसे किस पार्टी से बोल रहे हैं आप भाई साहब? जी प्रवक्ता आप हैं अनुराग मिश्रा जी। तो फिर अगर शराब की बात कर रहे हैं तो फिर तो दिल्ली आपको समझनी चाहिए, जहाँ पर लोगों को पेपर बना दिया और जिस पार्टी ने वो पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि शराब नहीं, आपको नहीं मालूम है गुजरात में जो प्रक्रिया हो रही है? भारतीय जनता पार्टी की एक खूबी है कि कभी भी जहाँ पर ही संवेदनशीलता होती है ना, वहाँ पर घोषणा नहीं की जाती है, वहाँ पर काम किया जाता है। पहले काम होना चाहिए, इसके बाद में नाम तो अपने आप हो जाता है। कोई गया जनता पार्टी की शैली में जो किसी के मौत के जो जिम्मेदार लोग थे उनके यहाँ कोई गया? नहीं चल पाएंगे, इसीलिए वो गुजरात में जो लोग मारे गए उनके यहाँ कोई गया? वो समझ रहे थी और विपक्ष भावनात्मक रूप से संवेदना व्यक्त करता है, लेकिन सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है अगर ऐसी कोई घटना होती है, कोई किसी की मौत होती है तो बिल्कुल आपको मुआवजे की घोषणा करनी चाहिए। जी, और बाकी मैं यही कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी घोषणा नहीं करती है और दिखावा नहीं करती है। गुजरात में आपको शायद मालूम नहीं होगा, सारे काम चल रहे हैं, जो माफिया होते हैं, चाहे फिर वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे फिर वो गुजरात हो, चाहे फिर वो कोई और दूसरा प्रदेश हो, उन सारे लोगों को पता है, माफियों को भी पता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। नहीं तो वो अपनी अपनी स्लेट लेकर के थानों में जमा नहीं होते कि नीचे मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, योगी जी माफ कर दे मुझे, इस तरीके की प्रक्रिया बिल्कुल सामने नहीं आती। तो आप भी जानते हैं कि माफियों का क्या हाल है इस सरकार में, बाकी मैं भी और माफिया भी जानता है। इसलिए इन सारी चीजों को ना समझते हुए आप थोड़ा सा अपनी अगर दिल्ली में व्यवस्था देती बहुत बसी आपकी सरकार, थोड़ा देख लीजिए ईडी के बारे में समझ लीजिए और अपनी नीतियां हैं, अगर आपकी नीतियां ठीक ठाक होती ना तो आपको वापस नहीं करनी पड़ती। तो पहले आप अपनी दारू देख लीजिए, बार की बार गुजरात की दारू देख। अनुराग भाई, अनुराग भैया जवाब दीजिए भाई। अनुराग भाई, भाई देखिए पहली बात तो यह है, चूंकि आज जिस घटना की बात है उसमें मैडम ये कह रही हैं कि ये घोषणा करने की बात नहीं है, तो हम सब जानते हैं जहां भी कोई घटना होती है सरकार सबसे पहले अगर किसी की जान जाती है तो उस पर बिल्कुल कहते हैं कि हम मुआवजा दे रहे हैं। जाते ही इसलिए है भाई, सरकार के लोग इसीलिए बने हैं। विपक्ष भावनात्मक रूप से संवेदना व्यक्त करता है लेकिन सत्ता पक्ष के जो लोग होते हैं उनको जाकर के कहना पड़ता है। और मुझे अफसोस है कि आप इस चीज को, आज शराब नीति पे बात नहीं हो रही है, जिस दिन होगी मैं बिल्कुल खुल करके बता दूंगा, सब लोग पब्लिक डोमेन में है क्या है, लेकिन कैसे है वो बहस भटक जाए। रख लिया जाए भाई, केवल मैंने केवल एक बात कही है, बिल्कुल रख लीजिए, अब मैं सब चीजों पे बहुत अच्छे से जवाब दे दूंगा। बिल्कुल भाई, उम्मीद भी आपसे बिल्कुल रहेगी जी। हाँ, लेकिन मैं केवल ये कह रहा हूँ, मैडम ने संवेदनशीलता की बात की थी तो मैंने कहा था कि 100 लोगों की जान गई थी, मामूली बात नहीं थी गुजरात में, और आप सरकार में थी और सरकार में आज भी है, तो आपको संवेदना व्यक्त करनी चाहिए थी। खुले वहाँ व्यापार चल रहा है, अड्डा चल रहा है, लेकिन वो बिल्कुल आपके द्वारा पोषित है और मालूम है भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें शामिल थे।
कैसा व्यापार आपने चलाया है दिल्ली में, किस प्रकार का व्यापार चल रहा है? दिल्ली जो आप केवल एक चीज पे बोल दीजिए कि अगर 100 लोगों की मौत होती है तो क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उनके घरों पर जाकर आप संवेदना व्यक्त करें? केवल इतनी सी बात बता दें, लेकिन संवेदनशीलता की बात हो रही है ना, उसका उसका पूरी जिम्मेदारी के साथ में निर्माण किया जाएगा, जिसके ऊपर ये चीजें जाएंगी उसको सजा भी मिलेगी। हमेशा से हो रहा, हर एक घटना के पीछे ये कार्य हो रहा है, घटना के बाद बचाया नहीं जा रहा है, संभाला नहीं जा रहा है, सजा दी जा रही है। ठीक है, प्रवक्ता प्रस्पा इखलाक जी बोलना चाहिए। देखिए मैडम ने अभी कहा भू माफियाओं के बारे में जी, तो कल ही एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें शायद हमने आपने सबने देखा, मैडम ने देखा होगा किस तरीके से बालू माफिया 46 ट्रैक्टर कुछ सेकंड के अंदर टोल प्लाजा से तोड़ते हुए ले गए जी। अगर उन ट्रैक्टर के सामने कोई आदमी आ जाता तो वो रोकने का भी काम ना करते जी। और लखनऊ के अंदर ही नहीं, उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद, नोएडा, कई ऐसे भू माफिया हैं जी जिनकी जमीन बिल्डिंगें आज भी बनी है जी, उनकी चिन्हित की गई जी, राज्य सरकार की जमीनों पे आज भी बिल्डिंगें बनी हुई हैं जो कि राज्य सरकार अपने वो लोग व्यवसाय यूज कर रहे हैं जी, उनको चिन्हित जरूर किया गया, एलडीए से नोटिस भी दी गई मगर ध्वस्त करने का काम नहीं किया जी। सरकार की नीति ठीक थी भू माफियाओं के खिलाफ, मगर अब कहीं ना कहीं वो नीतियां हटती जा रही है, भू माफियाओं का कब्जा फिर से आता जा रहा है जी। तो मैं ये कहना चाहूंगा मुद्दा देखिए आज भू माफिया का नहीं है जी, मुद्दा था इस होटल में आग का, और आगे की ऐसी कोई घटना ना हो इस पे सरकार कैसे काम करे जी, और जो भी व्यवसाय करने वाले लोग हैं वो भी कैसे काम करें। देखिए मानक के रूप में भी बहुत बड़ी लिस्ट होती है जिसको शायद होटल वाले और भी चीजें नहीं पूरी कर सकते जी, तो ऐसा कोई उनको सजेशन दिया जाए कि कम से कम कुछ उपकरण होने तो आवश्यक होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, आप सभी मेहनतों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात तो ये रहे क्या, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुद्दा था अग्निकांड, अग्निकांड में मृत्यु 4 लोगों की और घायल, घटना लगातार होती रहती है, चाहे दिल्ली हो, चाहे बंगाल हो, चाहे मुंबई हो, चाहे लखनऊ हो, घटनाओं का सिलसिला लगातार जारी है और लोगों की जान जाने का सिलसिला भी लगातार जारी है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि इन घटनाओं पर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई कब होगी? समिति बनाई जाती है, कमेटी बनाई जाती है, मुआवजा दिया जाता है और फिर वही मामला होता है जो हमेशा से ही हमारे देश की प्रथा चली आ रही है कि जिम्मेदारों पर कार्रवाई टलती रहती है। और टलने का सिलसिला ये है कि अभी हाल में आपने ट्विन टावर वाला मामला देखा, उसमें तमाम जिम्मेदार अधिकारी अब तक सेवानिवृत्त हो चुके हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, कार्रवाई होनी है पर रिटायर्ड हो चुके हैं, यानी कार्रवाई का सिलसिला ये है। तो हमारे देश में जो कार्रवाई का सिलसिला है उस पर एक गहन चर्चा भी जरूरी है, साथ ही साथ जो ऑडिट्स मैंने आपको कहा कि ऑडिट होनी चाहिए, मानक की ऑडिट होनी चाहिए, और अगर वहाँ पर एलडीए की नोटिस लगी है या वहाँ पर अग्निशमन विभाग का एनओसी नहीं है या वहाँ पर अन्य मानक जो कि होटल के होने चाहिए नहीं है तो निश्चित रूप से उस होटल को सील किया जाए या उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। पर होता ये नहीं है, जैसा कि समाज सेवी सेना साहब ने बताया कि केवल खाना पूर्ति होती है और पैसे के लिए व्यवस्था मानक बता दिए जाते हैं और बीच का रास्ता खोल दिया जाता है और इसी बीच के रास्ते से पैसा निकल कर आता है और जो अधिकारियों में बांट लिया जाता है, उसके बाद घटना जो होती है वो आपके सामने है। ये घटना चुनौती है हमारे देश के लिए भी, हमारे व्यवस्था के लिए भी और हमारे देश की सरकारों के लिए भी कि अगर आप समय से नहीं चेते तो इस तरह की घटनाएं हमारे देश में रोजाना होंगी और ऐसे ही लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ ना सरकार चेतती है और ना ही जिम्मेदार अधिकारी। तो आज की चर्चा में इतना ही, मुझे अनुमति, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच।